मीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नए साल में दिल्ली वालों को मिलेगी नई सौगात, सड़कों पर उतरेगी 3000 बसें। इंडोनेशिया द्वीपों पर फंसे लोगों को निकाला, जन स्वास्थ्य का संकट पैदा होने का खतरा। सुनिश्चित करूंगा कि नया पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मिले बराबरी का दर्जा, इमरान खान। तो अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की महीनों से चल रही कवायद के बाद विभाग नए साल में टेंडर जारी करने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार जनवरी में 3000 बसें खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेंगी। इंडोनेशिया की खोज एवं बचाव दल ने बुधवार को दूरवर्ती द्वीपों पर फंसे लोगों को निकाला। एक ज्वालामुखी में विस्फोट से आई सुनामी का दंश झेल रहे इन लोगों को अब भी मदद की दरकार है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार अपने देश और भारत में अल्पसंख्यकों के हालात की तुलना करते हुए कहा कि भारत में जो हो रहा है उसकी तुलना में नए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा मिलेगा। खान ने कहा कि जिन्ना ने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण राष्ट्र बनने का सपना देखा था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।